हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ गोवा में, और गोवा में आप आ रहे हो, एयरपोर्ट पे आ रहे हो या फिर बाय ट्रेन आ रहे हो वास्को डी गामा में, तो एक जो लोकेशन है नेवल एविएशन म्यूज़ियम, बिल्कुल आप ज़रूर यहाँ पर देखें। जो नेवी के प्लेन से यूज़ करे हुए वो सारे यहाँ पर रखे हुए। अभी मैं अंदर चलता हूँ, आपको पूरे जो प्लेन वगैरह वो सारी चीज़ दिखाता हूँ। मतलब देखने लायक जगह है, बिल्कुल आप यहाँ पर आइए। तो चलिए अंदर चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कहाँ पे लोकेशन। ये पड़ेगी अपने को एयरपोर्ट के जस्ट पास में, डबल में जो एयरपोर्ट है उसके जस्ट साइड में ये एविएशन म्यूज़ियम है, वहाँ पे आप आ सकते हो। जीपीएस पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी, आप जीपीएस पे डालो डायरेक्ट इस लोकेशन पे आइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से होता है म्यूजियम स्टार्ट। टिकट आपको बताता हूँ, तो दोस्तों एडल्ट का जो टिकट है वो 100 रुपीज है, और जो चाइल्ड है अबाउ 5 ईयर उनका टिकट है 25 रुपीज, और बाकी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी जो सारे एयरक्राफ्ट देखेंगे, ये सारे एयरक्राफ्ट वॉर में यूज हुए हैं। जो भी फाइटर प्लेन है या कोई से भी यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे रखी दिखी हुई है। और यार यहाँ की सबसे ख़ास बात मेरे को लगे, आप इन एयरक्राफ्ट को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कितना बड़ा प्लेन है, अब दिखाता हूँ आपको फ्रंट से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इंडियन नेवी द्वारा यूज करा गया प्लेन, कितने बड़े इसके प्रोपेलर हैं। तो दोस्तों ये है इंडियन नेवी का ग्लाइडर, इसका आइसलैंडर है ये देखिए। देख सकते हैं इसे प्लेन में लगती है। तो दोस्तों ये है फाइटर जेट जैगवार, जिसने इंडियन नेवी को सर्व करा है।
और जस्ट इसके पास में रखा है ट्विन ब्लेड हेलीकॉप्टर। अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप पहले जैगवार, ये रहा ट्विन ब्लेड हेलीकॉप्टर, और जस्ट उसके साइड में रखा हुआ है फोल्डेबल एयरक्राफ्ट, जिसके जो विंग्स रहते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। और ये छोटी सी जगह स्पेस में, क्योंकि शिप में छोटी सी जगह रहती है, वहाँ पे रखने में दिक्कत नहीं है, उसके लिए इसके विंग पूरा फोल्ड हो जाते हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है ये फायर फ्लाई एयरक्राफ्ट है, बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत पहले चलता था 90s में ये, और दिख रहा है बहुत सारे मूवियों में भी दिखाते हैं। और ये सामने जो ये एयरक्राफ्ट दिख रहा है बलू टाइप का दिख रहा है, बलू करके कार्टून आता था उस टाइप का एयरक्राफ्ट दिख रहा है ये, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना एयरक्राफ्ट है। ये देखिए ये वाला, और ये सारे एयरक्राफ्ट है बहुत सारे। चलिए देखते हैं आगे। और तो दोस्तों ये देखे इंजन एरिया, जो इंजन एयरक्राफ्ट यूज होते हैं सारे जो इंजन है रोल्स रॉयल्स के हैं, जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखे अलग से एक इंजन एरिया एक और बना रखा है, वहाँ भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये सबसे छोटा वाला जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर रहता है वो है, जो पहले चलता था, अभी भी चलता है, पर उसके बहुत सारे चेंज हो चुके हैं उसके लुक में, उसकी टेक्नोलॉजी में। और ये देख सकते हैं फोल्डेबल एयरक्राफ्ट एक, और ये भी है, वो भी है, पीछे भी रखा था। ये देखिए इंजन भी, ये जो थोड़े इंजन है थोड़े न्यू टेक्नोलॉजी के, सारे रोल्स रॉयल्स कंपनी के, सब पे लिखा हुआ है रोल्स रॉयल्स की टैगिंग। दोस्तों इंडोर म्यूज़ियम भी है, आपको भी वहाँ भी ले चलता हूँ। ये आपने एयरक्राफ्ट सारे देखे, अब कुछ टेक्निकल चीज़ें अंदर है वो आपको सारी दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा इंडोर म्यूज़ियम है, आप जैसे यहाँ पे फ़ोटो भी खींच सकते हो ये विंग्स के आगे खड़े होके। अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हो पूरी ड्राइंग बनी हुई है एयरक्राफ्ट की, और यहाँ पे चलते ही आप सबने जो चेयर देख रही है ये इजेक्शन चेयर है, जब प्लेन क्रैश होता है तो इससे ये पूरी चेयर बाहर निकल आती है उसमें। और ये आप देख सकते हैं ये ड्रेस थी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये ड्रेस से जब एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है तो ये ड्रेस पहन के करता है। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे हर चीज़ के बारे में, नेवल एविएशन के बारे में। ये वीडियो चल रहा है क्योंकि इसे क्या प्रैक्टिस होती है, बॉम्ब्स रखे हुए जो डिशेज बनते हैं वो सारे, तो जो शिप रहती है बड़ी बड़ी शिप उसके डमी भी रखे हुए हैं। अभी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डमी रखे हुए, अभी पूरा घूम के आता हूँ। और यहाँ पे जो भी वॉर में शहीद होते हैं उनके नाम और जो भी एग्रीमेंट हुए थे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंडो पाक वॉर में जो चीज़ें हुई थी वो सारी यहाँ पे मेंशन है, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, किसने क्या करा था, वो सारी चीज़ें मेंशन। ये देख सकते हैं जो कर्नल हुए, जो भी सभी, कौन सा मेडल किसको मिला, वो सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए ये सारे डमी रखे हुए आई एन एस विराट के, विक्रांत के, विक्रमादित्य के, सारे डमी लाइन से रखे हुए जो हमारे शिप वर्किंग में उनके, तो
जो रिटायर्ड हो चुके उनके भी। ये देखिए पुराने शिप ऐसे चलते तो उसका भी डमी रखा हुआ है। और ये चेन देखिए हैंगर चेन, जिससे कि एक जगह खड़ा करा जा सकता है, कितनी बड़ी चेन है। ये देखिए न्यू एयरक्राफ्ट शिप। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये देखिए नेक्स्ट रूम में जो जो एयरक्राफ्ट नेवी के द्वारा यूज़ करें और करे जा रहे हैं उनके सारे छोटे छोटे डमी रखे हैं, थोड़े ऊपर टंगे हुए, जितना दिखा सकता हूँ तो दिखा पाऊँगा। उनके नाम और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी वेट कैपेसिटी, उनका वर्क, वो सारी चीज़ें नीचे मेंशन है। और बहुत ही ज़्यादा यार बिल्कुल आना आपका बनता है यहाँ पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी इंडियन नेवल एविएशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए इस रूम में आपको देखने को मिलेगा टॉर्पीडो जो समरीन द्वारा छोड़ जाते हैं। देखिए उसकी साइज कितनी बड़ी होती है। दोस्तों आपको अंदर चीजें नॉर्मल रेट में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं। शॉप है यहाँ से आप नेवी की जो टी शर्ट वगैरह है वो खरीद। ये छोटा सा तो दोस्तों आपको ये इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और गोवा आ रहे हो तो एक बार जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।